आदित्य बिरला मानी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विवेक महाजन भी जुड़ चुके हैं और अजय तो हैं। तो अजय, उनसे पहले सीधे तीखे तीखे सवाल पूछेंगे और कुछ मीठे मीठे सवाल हम पूछेंगे। अजय बताइए विवेक जी, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, कल के हिसाब से देखा जाए तो आज का बाजार तो काफी संभला हुआ नजर आ रहा है। आदित्य बिरला मनी के ऑफिस में कल किस तरह के फोन कॉल्स आ रहे थे, आप किस तरह से डील कर रहे थे अपने क्लाइंट्स के साथ? Well, definitely there was a lot of panic in the marketplace. A lot of issues had come together. जिसमें शायद रिलायंस साउथ अरामको के डील का कुछ प्रॉब्लम आया था, पेटीएम का जो लिस्टिंग है, दैट वॉज क्रिएटिंग ए कंसर्न इन द मार्केट प्लेस, ब्रिंगिंग द मेमोरीज ऑफ रिलायंस पावर बैक इन टू द मार्केट। नॉट ओनली दैट, दैट रिपील ऑफ एग्री रिफॉर्म बिल, उसका भी शायद मार्केट पे इम्पैक्ट था। एंड मार्केट वाज इन ए ओवरबॉट जोन, देर वाज नियरली 2,40,000 करोड़ का एफ एन ओ पोजिशन इन द मार्केट प्लेस, और बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस एफ आई सेलिंग दैट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर द मार्केट टू कम डाउन सिग्निफिकेंटली। लेकिन जो मार्केट है, करीब 1,000 से 1,200 पॉइंट का करेक्शन दिखा है मार्केट ने ओवर लास्ट 1 week 10 days टाइम। ये लेवल पे वी आर सीइंग बाय द डिप एज फार एज द मार्केट इज कंसर्न्ड, दैट इज व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग टू आवर कस्टमर्स, कि अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू कल व्यू लेके चल रहे हैं तो इट इज अ वेरी वेरी गुड टाइम टू एड इनटू द मार्केट प्लेस। डू नॉट पैनिक, यस लीवरेजिंग नहीं होना चाहिए पोजिशंस के अंदर। इंटरेस्टिंग। तो अब विवेक, एक चीज बताइए, जो कल का पैनिक था तो किसी तरह से आज मार्केट ने अपनी बढ़त दिखा के उसको शांत कर दिया, ये वॉलेटिलिटी आपको आगे ऐसे लगती है कि ऐसे ही होगा बाजार, 300-400 पॉइंट के कट देखने को मिलेंगे, या फिर ये हम क्योंकि हम सुपर बुल फेज में है तो इस तरह के झटके लगते रहेंगे, आदत डाल लेनी चाहिए? सो लास्ट 1 year 18 months में मार्केट हैज सीन ए सिमिलर मूव, दैट इज ओनली अपसाइड, और वी आर एट राइट नाउ 17,300-17,400, द मार्केट विल बी ट्रेडिंग एट समथिंग लाइक ए शेड बिलो 20 टाइम्स नेक्स्ट ईयर अर्निंग। हमें लगता है कि 25% जितना अर्निंग कैगर होना चाहिए बिटवीन दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। सो मार्केट इज ट्रेडिंग एट ए शेड बिलो 20 टाइम्स। इट मे नॉट बी चीप, बट इट इज नॉट इन द बबल जोन ईदर। अपने को लगता है कि नेक्स्ट ईयर एंड तक शायद मार्केट कुड बी कोटिंग एट समथिंग लाइक 22,000 ऑड लेवल, दैट इज अपसाइड ऑफ 20-22% फ्रॉम द करंट लेवल। ओनली थिंग इज, जैसा हमने बात किया कि मार्केट इज नॉट चीप बाय एनी स्टैंडर्ड, वोलेटिलिटी विल रिमेन द नेम ऑफ द गेम गोइंग फॉरवर्ड। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कहां आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट इट रिमेन्स ए बाय द डिप मार्केट। हमें लगता है कि अगला 1 महीने से लेके 1.5 महीना मे बी द मार्केट कुड बी broadly in consolidation phase. ये quarter के number आने शुरू हों, wherein there is no reason to believe के कोई disappointment होगा. So earning growth momentum is likely to sustain. Plus some build up ahead of the budget which is likely on 1st of February. So वो दोनों के रहते हैं, हमें लगता है कि January से थोड़ा सा अच्छा upside हो सकता है market में. ये महीना that is month of December is likely to be a consolidation month. राइट, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो विवेक। क्योंकि जैसे आप भी बता रहे हैं कि यहाँ से अभी फिलहाल ये एक रीबाउंड की तरह देखना चाहिए, जो हमने पिछले कई दिनों से एफआईज की सेलिंग देखी है और उसके बाद बाजार इतने नीचे के लेवल्स पे था, तो वहाँ से एक शायद पुल बैक है ये। लेकिन आप जो अभी आपने लास्ट बात कही उससे ये इंडिकेशन लेना चाहिए कि शायद बाजार में अपसाइड इस वक्त लिमिटेड होगा और शायद हमें यहाँ बहुत सिलेक्टिव होकर चलना होगा, एक तरफा रैली नहीं दिखेगी? Definitely. So because the triggers may be absent at least in the short term, that is 2 to 3 weeks or thereabout. So it will remain a stock specific market. जहाँ पर पॉजिटिव न्यूज फ्लो आ रहा है उधर सपोर्ट बना रहेगा। We also enter into अपना holiday season at the end of December. तो उसके रहते भी पीपल मे बी स्लाइटली कॉशियस एंड नॉट वांटिंग टू बी एग्रेसिव, गोइंग होम विद एग्रेसिव परचेजेस। तो उसके रहते हमें लगता है कि ब्रॉडली रेंज बाउंड मार्केट विल रिमेन ए बाय ऑन डिप, और क्वालिटी स्टॉक में कंटिन्यूस स्टॉक लेते रहिए। विवेक, इस समय आपका बाजार में टिल्ट किस तरफ का है, लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ या उसमें थोड़ा आप मिड कैप्स का तड़का भी लगा रहे हैं, और किस तरह के नाम और थीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में खेल रहे हैं इस समय? सो अजय, सेफ्टी तो लार्ज कैप में ही रहेगा, वाइल रिटर्न
कुड बी हाई अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो इन मिड कैप स्पेस. स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन देखा गया है इवन इन लार्ज कैप, तो दे बिकम वेरी अट्रैक्टिव एट करंट लेवल. A case in the point could be Bajaj Finance, which has corrected by some 700 to 800 rupees. I think that will remain my preferred pick. Reliance ki jo aap baat kar rahe the, that has seen a very good correction. Agar aap thoda sa medium to long term view leke chal rahe hain, to that will remain a buy. DVs or for that matter, some chemical companies have seen some good correction. They remain buy, both from tactical viewpoint as also delivery with the medium to long term perspective. In chemical space, we have been recommending our clients at this point of time Aegis and SRF Limited. PLI story continue to become will continue to become bigger. Usme do ya teen stock jahan par hum focus kar rahe hain, that is Amber and Dixon, both remain our preferred buy at this point of time. QSR space में Jubilant Food looks attractive at current level after the recent correction. ये सारे स्टॉक्स होंगे जो आपको अच्छे लगते हैं यहाँ से. साथ ही विवेक, आपका क्या मानना है, क्योंकि जब पेटीएम लिस्ट हुआ उसके बाद हमने सिंगल डे और फिर दोनों दिन लिस्टिंग के लगभग स्टॉक में 40% तक का करेक्शन देखा. उसके बाद एक जो नरेटिव और स्टोरी जो निकल कर अंडरलाइन करंट जो था वो यही निकल कर आया कि शायद फिनटेक कंपनियाँ, प्लेटफॉर्म कंपनियां, क्योंकि आप बाकी दूसरे स्टॉक्स देखें, आप पेटीएम के अलावा आप जोमैटो देखें, आप पॉलिसी बाजार देखें, इन सब में भी हमने देखा कि एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला. और वैल्यूएशन हो, बजाज फिनसर्व हो, बजाज फिनांस हो, वैल्यूएशन जो है वो एडजस्टमेंट फेज में है. क्या ये ट्रेंड आप भी रिलेट कर रहे हैं, आपको दिख रहा है ऐसा ट्रेंड? अभी ये न्यू एरिया है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पेटीएम और फॉर दैट मैटर जोमैटो. We don't know for how long they will remain a loss-making company. People are more comfortable with buying into companies जहाँ पर free cash flow generate हो रहा हो. इनके अंदर तो profitability की visibility नहीं है at this point of time. Yes, there is a section of the market which has been buying into this space. ये space में और बहुत सारा paper भी आना बाकी है. हमें लगता है कि ये space में risk ज़्यादा हो सकता है. So we have not been pushing stocks in this space जहाँ पर these new age companies जहाँ पर अभी अर्निंग का कहीं visibility नहीं. Right, विवेक, ये जो वेदांता ने पहले तो एक value unlocking exercise announce की, उसके बाद promoter 5% stake market से purchase करने में interested दिखाई दिए, stock 10-15% चला, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो अपने स्पेस में लैगार्ड है और थोड़ा वैल्यूएशन भी इसके बाकी मेटल स्टॉक्स से नीचे की तरफ है. आप इसे कैसे एनालाइज करेंगे और इसके अलावा भी आपकी मेटल्स पर क्या व्यू है? So, as far as Vedanta is concerned, yes, it has become a resources company. Volatility in the stock has been pretty high. Clearly, the way things are going around, the promoter is clearly interested in increasing their stake, and that is what we are seeing in the counter as well. Aaj bhi koi ek bahut bada deal hua hai, we are assuming it has been bought by the promoter. Other metal stocks have also corrected, jisme thoda sa safety zyada lagta hai. So we remain positive about aluminium. Nalco is one stock which looks good at current level. ये space mein jo free cash flow generate ho raha hai, that is being used to retire the debt on the balance sheet. Stocks are pretty cheap at current level, or for that matter, there is significant value in these stocks. Tata Steel and SAIL will be a couple of other stocks for person wanting to buy risk in the portfolio can be added at this level. विवेक, एक क्वेश्चन ये है कि आपने पूरी अर्निंग्स देखी होगी जो आप हमेशा से क्लोजली देखती हैं, इस अर्निंग्स में से आपने समरी क्या निकाली, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इस अर्निंग्स में से कुछ ऐसे शेयर्स भी मिले होंगे जो आपको लग रहे होंगे कि आने वाले अर्निंग्स में अच्छे ही चलेंगे, वो तो पोर्टफोलियो में आपने नए जोड़े होंगे इस बार के क्वार्टर नंबर्स देखने के बाद. अगर आप वो बता पाएं तो वो भी एक बार जरा बता दीजिए, या किसी को हटाया हो तो वो भी बता दीजिएगा. हाँ, नहीं तो हमने वो ग्लोबल लेवल पे बात किया था कि स्टॉक्स विच विल स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम द पीएलआई इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे विल बी सम ऑफ द बिगर बेनिफिशियरीज. डेफिनेटली डिक्सन का नंबर बहुत अच्छा आया. अनदर स्टॉक विच इज नॉट अ प्योर पीएलआई स्टोरी एंड दैट इज बोरोसिल रिन्यूएबल केम आउट विद वेरी गुड नंबर्स. दे रिमेन
आर प्रेफर्ड पिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अर्निंग अच्छा था और विजिबिलिटी भी काफी अच्छा है. केमिकल स्पेस में वाइल सम कंपनीज में बी फेसिंग मार्जिन प्रेशर because of increase in the input price. But definitely the highway of growth is significant as far as chemical space is concerned. The capex cycle continues to be underway in a major way. We spoke about two stocks, that is Aarti Industries, which reported 26% growth in earning. SRF Limited, uske andar bahut bada capex cycle is underway. अगले दो साल में शायद 5000 करोड़ का कैपेक्स, करंट ईयर में 1800 करोड़ का कैपेक्स इज अंडरवे. लुक्स गुड फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. खैर आपसे चर्चा हम आगे बढ़ाने, लेकिन इस बीच में बजट में मार्केट जरूर दिखाना चाहूंगा क्योंकि बाजार के अंदर जो तेजी है वो बहुत शानदार है. निफ्टी 17,500 के भी ऊपर आके ट्रेड करने लगा फिर से, और बैंक निफ्टी 37,300 के ऊपर आके ट्रेड करने लगा. टिपिकली टेक्निकल्स वाले इन दोनों लेवल्स को बड़ी इंपॉर्टेंस देंगे आज के लिए. इसके ऊपर की क्लोजिंग शॉर्ट कवरिंग के मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकती है. विवेक एक क्वेश्चन और है आपसे, ये पेटीएम की लिस्टिंग हुई थी खराब, उसके बाद बैक टू बैक 13% और टूटा, अब ये फेयर वैल्यू हो गई है या फिर अब इसकी फेयर वैल्यू अभी भी आपको लग रहा है थोड़ा और नीचे है? लोग कहते हैं 1,000 रुपए के नीचे ज्यादा ठीक है पेटीएम को प्लस करना. So I can't put a number to okay, कहाँ ये जा सकता है या कहाँ पर एड करना चाहिए, but definitely at this point of time there is no visibility as far as the company is concerned कि कब ये profit में आएगा. उसके रहते ये stock को लेने में risk बहुत ज्यादा है. I will not want to advise a buy on this stock. क्वेश्चन और होगा विवेक मेरा, वो है बैंकिंग को लेकर. अब ये कह रहे हैं कि सब बैंकिंग पे बुलिश होना चाहिए. एक तो आपका व्यू पॉइंट, उसके रीजनिंग ये है कि एक तो ग्लोबल सेल ऑफ रुका है, वहाँ पे ग्रोथ अच्छी है, भारत के अंदर ग्रोथ अच्छी है, हमने एनपीए जीएनपी के आंकड़े देखे गिरे हैं, कंज्यूमर ग्रोथ अच्छी बढ़ी है, सारी चीज़ें काफ़ी तक पॉजिटिव दिख रही हैं, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन कर रही है, मोनेटाइजिंग हो रहा है. आप बुलिश है बैंकिंग पर? अगर हैं तो एक प्राइवेट बैंक और एक सरकारी बैंक का नाम भी बता सकते हैं. So definitely we remain optimistic as far as banking and financial sector is concerned. The preferred pick remains that SDFC bank. The stock has underperformed significantly over last 12 months or thereabout. In PSU banks, we typically stay clear of PSUs in general. लेकिन स्टेट बैंक इज वन स्टॉक विच कैन बी लुक्ड एट जिसमें रिस्क कम रहेगा. ऑलराइट बिल्कुल. तो पीएसयू बैंक स्पेस की भी बात हुई और साथ ही आपने कई सारे स्टॉक्स की बात की विवेक, ऐसे में आपको और कौन से थीम्स पसंद आते हैं? क्या आप आपकी टीम कहाँ रिसर्च कर रही है जो आपको लग रहा है कि एक फ्लेवर रह सकते हैं जहाँ पर अच्छी तेजी आने वाले समय में रह सकती है? सो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स शुड बी टू मेजर बेनिफिशरीज. Government ka focus on infrastructure remains pretty high. We are seeing a real estate cycle starting for after a very long period of time. Aur agar real estate cycle chalu hota hai to apne hame lagta hai ki wo 3 se 5 saal tak to kam se kam chalna chahiye. So there could be lot of stocks both in infrastructure space or for that matter building material which will stand to benefit. So cement is one area which we have been looking at continuously. और उधर स्टॉक्स अच्छे लगते हैं. नॉट ओनली दैट वी बिलीव द कैपेक्स साइकिल इज टेकिंग ऑफ फ्रॉम करंट लेवल. सो इट इज पार्टली सपोर्टेड बाय हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कंपनीज बेनिफिटिंग बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन इन द सेक्टर. सो शिफ्ट फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल इज ऑल्सो सीइंग दैट द कंपनीज इन द फॉर्मल सेक्टर standing to benefit from the volume growth or for that matter export focus PLI initiative 2G 4G 5G mein jo yahan digitization mein jo penetration chal raha hai. So capex cycle again should be supporting. Not only that focus of government of India on renewable power. So usme EV ho gaya, solar power ho gaya, hydrogen space. So lot of things expected to become bigger by the day in the foreseeable future. Vivek, आप सीमेंट स्पेस को किस तरह से देख रहे हैं? बिकॉज सीमेंट रियल्टी का भी एक प्रॉक्सी है, ओवरऑल केपेक्स का भी प्रॉक्सी है, उसमें आपको किस तरह के नाम पसंद आते हैं? So the safest or the top pick as far as cement space is concerned is Dalmia Bharat.
it is one of the larger companies in cement space. Current capacity is something like 33 million tons. Expectation is by end of next year, the capacity should have gone up to 38 million tons. The company has already given a roadmap for more than 100 million ton capacity by 2030. हमें लगता है कि the free cash flow that is generated by the company should be sufficient to take the company into the next leg of growth without assuming too much debt on the balance sheet. आज की डेट में the company is a net cash company. So हमें लगता है कि company has got a balance sheet strength and it should be one of the bigger beneficiaries. Stock is quoting at something like 2100 or thereabout. एक साल में अगर इसमें 25-30% रिटर्न मिले तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। विवेक, ये जो मिड साइज इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, बॉल बेयरिंग प्रोवाइडर्स, यू नो पाइप कोरोगेटेड शीट्स कंपनीज, इस तरह की जो कैपेक्स के थीम में पार्टिसिपेट करती हैं एज इनपुट प्रोवाइडर्स, उसमें आपको कुछ पसंद है? एक स्टॉक है, थोड़ा सा महंगा है, दैट इज एस्ट्रल पॉली। स्टॉक अच्छा डाउन है बिकॉज ऑफ रिपोर्ट ऑफ सम गवर्नमेंट एक्शन एज फार एज द कंपनी इज कंसर्न, लेकिन हमें लगता है कि कंपनी इज ऑन द राइट पाथ। उसका जो टैंक बिजनेस है जो उसने अभी रिसेंटली चालू किया, दे शुड बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट बिकॉज उसके अंदर कोई मेजर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर नहीं है आफ्टर वन ऑफ द मोनोपोली प्लेयर इन द सेक्टर हैविंग कोलैप्स्ड सम टू इयर्स बैक। They have gone into wall business. They are also talking about going into a lot of adjacencies, which includes tiles and faucet. That will remain my preferred pick. अगर आप short term investor नहीं हो और आप थोड़ा सा medium to long term का view लेके चल रहे हैं तो ठीक है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अच्छे से आपने बात की और बिल्कुल निर्भय क्योंकि जैसे कहते हैं ना, शेयर बताना आपने वैसे ही बताए। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जल्द आपसे वापस मुलाकात होने वाली है।